यहाँ रखे हैं सारे शूज, यहाँ कर रहा है भाई शुभम अपना बैग पैक, वो मेरा हेलमेट और ये मेरा रेगुलर सामान, ये दो बैग भी मेरे हैं। वहाँ रखा है नदीम भाई का हेलमेट, कैप्टन अमेरिका हमारी ग्रुप के, और पूरा रूम बड़ी औसम स्थिति में हो रहा है। और यहाँ बिखरे हुए हैं भाईजान खुद, बिस्तर की हालत ख़राब है। और वहाँ रखे हैं हम सबके हेलमेट, वो टंगी है अपनी जैकेट, और तौलिया वगैरह सूख रहा है, उसको इग्नोर करना प्लीज़। फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्सी सर। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं पचमणी से, अभी हमारी राइड का है चौथा दिन। दो दिन हम लोग पचमणी में थे, एक दिन हम लोगों ने राइड की थी, और आज फिर हम लोग राइड करके घर जाने वाले हैं। तो अभी टाइम हो रही है सुबह की 7:30, मैं हो गया हूँ रेडी, अमित हो गया है रेडी, भाईजान और शुभम रेडी होना बाकी, और जय अंदर नहा रहा है। रूम की हालत बहुत शानदार हो रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो हम लोग अब पैकिंग करेंगे, नीचे जाके सारा सामान बाइक पर बांधेंगे। कभी कहीं भी राइड पर जाओ तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है सामान बांधना और खोलना। मेरे लिए थोड़ा आसान है, मेरे पास कैरियर है, पर इन लोगों के सामान बांधना बड़ा टेंशन वाला मुद्दा है। तो जाएंगे बाइक रेडी करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो ये है अंबिका होटल का स्टाफ, बहुत बढ़िया भाई लोग हैं अपने, और यहीं से हम लोगों को घूमने के लिए गाड़ी भी अरेंज हो गई थी। तो मात्र 1300 रुपये में हम 5 लोगों के रहने के लिए बिल्कुल शानदार रूम यहाँ पर मिल गया। तो आप लोग अगर आ रहे हैं तो भैया से संपर्क कर सकते हैं, अंबिका होटल पचमणी, और भैया का कार्ड एक मैं डाल दूंगा अभी, कार्ड देना भैया आपके होटल का। तो ये वीडियो को पुश करके आप डिटेल यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके भाई लोग, थैंक यू सो मच, भाई लोग हो रहे रेडी, तब तक हम लोग सामान माउंट करते हैं। भाई शुभम की बाइक हो गई है रेडी, ये रही अपनी बाइक। भाई जय, क्या हाल है, गुड मॉर्निंग भैया, रेडी टू गो। भाई अमित की एफजी भी रेडी है, और हमारे कैप्टन अमेरिका। तो अब निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं, चाय भाई पियेंगे और फिर रवाना हो जाएंगे। वाहेगुरु जी कृपा करना। जय को पता है, सतनाम श्री वाहिगुरु, गुरु महाराज जी दौड़ी ओट लेके चल रहे हैं सारे बच्चे दौड़े, कृपा करनी अंग संग होके रक्षा करनी। बहुत बढ़िया, मैं अभी प्रार्थना कर ही रहा था कि अंग संग होके राष्ट्र रक्षा करना, और तू लपटा जा मेरे में, चल। तो अब निकल गए हम लोग, चलिए। तो चाय नाश्ता करके रवाना हो गए हैं, और गूगल देवी हमें लेके जा रही है पचमणी से बाहर की तरफ। एक बात है यार दोस्तों, कि जो ये आखिरी का 40-50 किलोमीटर का रास्ता है, स्पेशली पिपरिया के बाद, इसको आप वीडियो में देख चुके हैं किस तरह का रास्ता है। तो दो कारण हैं जिससे इसको दिन में ही ले चलना अच्छा रहता है इस पर। एक तो ये मनमोहक नज़ारे आपके मिस नहीं होंगे, शानदार वाले और जानदार वाले, और सेकेंडरी रात में आएंगे तो यही नज़ारे आपके लिए ख़तरा बन जाएंगे। तो बिल्कुल आओ और एंजॉय करो पचमणी को, पर दिन में ये आखिरी का रास्ता है, इसको दिन में ही तय करना। क्या शानदार नज़ारा है, जाने में भी था, देखा था, पर अभी जिस एंगल से देख रहे हैं वो बहुत शानदार लग रहा है, और स्पीड ब्रेकर कूद गए हम नज़ारा देखने में, बढ़िया शानदार। नज़ारे तो इतने अच्छे हैं यार कि पूरे रास्ते का वीडियो बना लूँ तो आप बोर नहीं होंगे, पर
ऐसा है कि हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस होती है ना, कोई रास्ता देखना पसंद करता है, कोई मंजिल देखना पसंद करता है, और हम तो वो लोग हैं जो घर से निकलते हैं तो रास्ते से मंजिल से रास्ते तक चाय नाश्ते तक हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। फिर अच्छा बन गया, रास्ते से मंजिल से रास्ते तक चाय नाश्ते तक फायर बनने लगे। तो अभी हम लोगों को हवा चेक करानी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बाइक में हवा कम है, तो एक गैरेज दिखाया तो मैं वापस पलटा हूँ। भैया हवा चेक करनी है। तो भैया के कंप्रेसर में हवा नहीं है, अब हमको आगे कहीं रुकना पड़ेगा। नाच एक बार और। ये तो इसी गेट से हम लोग अंदर आए थे, वन्य प्राणी अभयारण्य धन्यवाद ऐसा कुछ था, मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया, आई एम सॉरी। हम लोगों को करीब 3.5 किलोमीटर के बाद एक लेफ्ट लेना है और अमित, शुभम और नदीम आगे निकल गए हैं। एक्चुअल में नदीम आगे निकल गया था और उसको फ़ोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो दोनों भी उसके पीछे गए। वाओ, लकीली भाई लोग बिल्कुल सही जगह पर रुके हुए हैं और कोई टेंशन नहीं है, अब सब साथ में। हम लोगों को पिपरिया होके जाना नहीं पड़ेगा, अब हम सीधे ही जाएंगे जैसे आए थे वैसे, इस शॉर्टकट से। तो गूगल देवता की मदद से ही नए नए गांव देखने मिल रहे हैं, नए नए रास्ते देखने मिल रहे हैं, और इस शॉर्टकट ने करीब हमारा 30 किलोमीटर का रन बचाया है और साथ ही साथ पिपरिया जैसे एक छोटे शहर के ट्रैफिक से भी हमको बचाया है, जो कि हमारा कम से कम 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लेता। एक्स्ट्रा 1 घंटा और एक्स्ट्रा एफर्ट, दोनों चीज़ें लग जाती हमको। तो यहाँ से हम लोग स्टेट हाईवे 22 पर लगे हैं, स्टेट हाईवे 22 नंबर। और देखा जैसा कि आपने चौराहे पर भैंसे घूम रही थी, मतलब चौराहे पर नहीं, फाटे पर। ओए यो बच्चे वो भी और मैं भी। तो मैं तो भूल ही गया था कि मेरी बाइक रिजर्व में लग चुकी है, मस्त चले जा रहे थे, दौड़े जा रहे थे। तो अब टाइम टू रिफ्यूल अवर बाइक। तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल अपनी ही बाइक में डलने वाला है ऐसा लग रहा है। तो ये हो गया है पेट्रोल टैंक में हमारा पेट्रोल कंप्लीट। उंगली डुबो पेट्रोल लेवल। हटना मालिक, हाँ बिल्कुल पहुँच जाएंगे, नहा धो के पहुँचेंगे अपन। तो जय की बाइक में आया है 756 रुपये का, 756 रुपीज़ का पेट्रोल आया, मतलब सबसे अच्छा एवरेज अपनी गाड़ी दे रही है, सबसे ज़्यादा पेट्रोल पी रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलती तो अच्छी है ना भरोसे के साथ। मुझे मेरी बाइक बहुत पसंद है यार, बहुत बहुत ज़्यादा। चलिए निकलते हैं यहाँ से। जैसे जैसे अपन घर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मेरी आवाज़ वापस आते जा रही है कि ये पचमढ़ी के च्यवनप्राश का असर है। सॉलिड था। एक चम्मच में आवाज़ खुलना शुरू हो गया, 1 घंटे में असर दिख गया। क्यों? बहुत अच्छा लगा, मतलब रेकमेंड कर सकते हैं अपन। नाव हम लोग पहुंच गए हैं होशंगाबाद, और अब यहाँ से है करीब 100 किलोमीटर खातेगांव, जहाँ है हमारे राहुल भाई और जहाँ करने वाले हम लोग लंच, और एक अच्छा खासा ब्रेक भी लगने वाला है वहीं पर। तो होशंगाबाद में कोई ब्रेक नहीं है, बस निकल जाएंगे बीच में से और सीधे रुकेंगे खातेगांव। तो करीब 20 मिनट लगे हम लोगों को होशंगाबाद क्रॉस करने में, और अब हम लोग प्रॉपर होशंगाबाद से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं, और ये जो रोड है ये सीधा जाता है खातेगांव होते हुए इंदौर। भाई कहाँ घुस रहा है, कहीं भी घुस जाते हैं बिना देखे, बाइक आ रही है, कार आ रही है, चलो चलते हैं।
तो यही है वो रास्ता जो हमने जाने में रात में क्रॉस किया था, और मुझे अफसोस हो रहा था कि हमने प्रॉपर जंगल के नज़ारे छोड़ दिए। तो वाकई में नज़ारा तो अच्छा है और मज़ा भी आ रहा है। तो अभी जो मेरे आगे ये बाइक चल रही है जिस पर बैठी है लड़की, तो एक्चुअल में ये तीन लोग हैं, बीच में एक लड़का और भी है, ना तो किसी ने हेलमेट पहना है, और ये लड़की इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल में बैठी हुई है एक तरफ पहन करके, और ये अपने दोनों हाथों से मोबाइल चला रही है। अब लड़की चला रही है मोबाइल, लड़के ने नहीं पहना है हेलमेट, और वो चला रहा है बाइक बिल्कुल अंधाधुंध, क्योंकि उसको आ गया है जोश हम लोगों को देखकर। उसने हम लोगों को तो देखा पर ये नहीं देखा कि हम लोग प्रॉपर गियर अप हैं, हमने गियर्स पहने हैं, जैकेट पहनी है, ग्लव्स पहने हैं, हेलमेट पहना है, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं पहना और वो निकल गया देखो बिल्कुल तुर्राटे बन। हम लोगों ने एक बार बाइक धीरे भी करी कि यार इसको निकल जान दो, पर वो धीरे करके फिर पास आ गया। तो ये ले रहा है रिस्क, इसको लग रहा है ये बन रहा है हीरो, और हम लोग इसको समझा नहीं सकते क्योंकि उसके साथ लड़की है, अगर समझाएंगे तो उसको लगेगा कि हम लोग झांकी कर रहे हैं। तो चलिए इसके थोड़े बहुत चाले आपको दिखाते हैं और फिर चलते हैं अपने मंजिल की तरफ, क्योंकि राहुल भाई, टीटू भाई और तीन चार भाई वहाँ पर कर रहे हैं हमारा वेट। वो इतनी स्पीड से जा रहा है मुझे उसे रिकॉर्ड करना मुश्किल हो रहा है। मैं 90 प्लस स्पीड में हूँ और मैं 100 पे आ गया हूँ। ये देखो ये 100 की स्पीड में भी बस को ओवरटेक करा है इसने, और अगेन लड़की ने मोबाइल निकाल लिया है। ये देख लीजिए 80 प्लस, और टर्न में भी बिल्कुल कोई केयरिंग नहीं रखना, बस देखा उसको, शायद लड़की भी हो सकता है, बोल रही हो कि आ गए पीछे से, आ गए चलने दो चलने दो। चलिए छोड़ते हैं इसको इसके हाल पे और हम लोग चलते हैं अपने रास्ते पर भैया। और ये देखिए फिर आ गया, मतलब धीरे करते हैं तो धीरे हो जाता है, तेज़ चलाते हैं तो तेज़ आ जाता है, मतलब कुल मिला के इसको जाना कुछ नहीं है अपने हिसाब से, उसको सिर्फ हमारे आगे पीछे भटकना है, और गिर कर गया तो हमारी आत्मा पे बोझ कर देगा कि हमारे कारण कोई गिर गया यार। अरे यार जा भाई जा अपने काम से जा। अब वो जय भाई अपनी स्पीड में, उसको लगेगा कि जय भाई उसको चेस कर रहा है, जय भाई इतना फालतू नहीं है भाई, जा अपने घर जा और अपनी स्पीड से जा। खाते गाँव से करीब 80 किलोमीटर पहले जय भाई का ब्रेक थोड़ा सा ढीला हो रहा था, इसलिए हम लोग रुके, तो चाय की दुकान के पास रुके थे तो चाय भी ले ली। अब चाय वगैरह पी के फिर यहाँ से निकलेंगे और खाते गाँव में रुकेंगे सीधे। जय भाई हो गया, चलो चाय ले लो फिर, चले चलिए चाय पीते और निकलते हैं फटाफट। तो ये है इंडियन टी स्टॉल, दूध के पैकेट, चाय नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, दाल, गुड़पुड़ी, गुड़पट्टी, ऐसा कुछ बोर्ड लगा हुआ है, पर चाय बहुत शानदार पिला दी भाई ने, मतलब मज़ा आ गया। अल्टीमेट चाय थी, ज़रूरत थी चाय की तो यार, अच्छा है। चलो हम निकलते हैं तो सीधे राहुल भाई के पास। जय, एक भगत मिल गया हमको यार। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं खाते गाँव, मतलब एंटर होने वाले हैं, सिटी में भी एंटर नहीं हुए हैं, और इसी तरफ से उनका घर था है, मतलब राहुल भाई क्या बात है, ये देखते हुए खड़ा है, देखो इन्होंने कोई जजमेंट लगाया, कैसे हो भैया, परेशान कर दिया आज आपको है ना, परेशान नहीं है, तो हमें खुशी है, इसे परेशान नहीं कहते, हमारी खुशी है। और ये आ गया, ये मेरा भाई, राहुल भाई ये क्या दिनों देखा है, ट्रैक्टर आके रुका, बोले भैया ट्रैक्टर से आए। तो आगे बाइक पर चल रहे हैं राहुल भाई और टीटू भाई, ये लेने आए थे हमको, और अब हम जा रहे हैं इनके खेत पर, तो वहीं पर खाने वगैरह कार्यक्रम रखा है, वहीं पर थोड़ा सा एक डेढ़ घंटा रिलैक्स होंगे, और यहाँ से हम उनके खेत के लिए एंटर हो गए और पहुँच गए हैं हम लोग। तो पहुँच गए हैं टीटू भाई के फार्म हाउस में, फार्म हाउस वहाँ है, पर दाल बाटी का जो कार्यक्रम है, लंच है हमारा, वो यहाँ झाड़ के नीचे खेत में है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था आज खाने के लिए। एक आदमी छुप रहा मेरे पीछे है। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था, वहाँ बन रही है बाटी और वहाँ बन रही है दाल, के बाद एक नींद लेनी पड़ेगी, बाटी के बाद एक नींद लेनी पड़ेगी, बोल रहे भैया तो नींद लेके निकलेंगे फिर। वो एक आदमी तो वैसे बहुत डरा हुआ हमारा, बाटी मत खिलाओ नींद आएगी। चले ठीक है, तो फिर मिलता है खाना खाने के बाद। अक्षय भैया हमारे राहुल भाई के सबसे छोटे भाई, और ये बताया जा रहा है कि सुबह से परेशान है बाटियां बनाने में हम लोगों के लिए, और ये क्या हो रहा है, बैंगन भरता, बैंगन का भरता बनने वाला है, वाह यार थैंक यू सो मच यार भाई, बहुत परेशान कर दिया आपको यार। और ये हमारे एक और भाई के घनिष्ठ है, तो खाना वाना हो गया है, दबा के मजे आ गए गुरुजी, मजा आ गया, नींद आ रही है। एक नींद सो लेते इस कर्म में, वही बात हो रही है। तो जा रहे हैं मार्केट तरफ, उसके बाद निकलेंगे। अमित की बाइक का टायर बहुत कमजोर था, अच्छा तो रात में परेशान करेगा ऐसा लग रहा था, तो हमने सोचा कि घर जाके वो बदलाना है तो यहीं बदला लें, तो वो टायर रिप्लेस करवाने गया है,
जय आराम कर रहा है और मैं जब तक मार्केट होके आता हूँ भैया के साथ। तो गुरु जी कोई नहीं निकलेंगे यहाँ से। तो दाल बाटी खाने के बाद में निकलने के पहले भैया ले आए हैं भैया के कैफे पे। कैफे का नाम है फ्रेंड्स कैफे और अल्टीमेट जगह है यार, और अल्टीमेट चाय भी है। हमारा चाय का सबसे बड़ा प्रेमी भी तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाया है। मुझे चाय नहीं पीता वो भी तारीफ कर रहा है। एक बार जरूर ये चाय एक बार जरूर टेस्ट। और आप कैफे का जो माहौल है वो भी देख लो 17 से बिल्कुल। डेकोरेशन जो है बिल्कुल देसी जुगाड़ वाला और अल्टीमेट चाय होता है उसका। और ये कुछ अपने भाई जो कैफे के बहुत सारे भाई। तो बाहर से भी आपको कैफे का एक शानदार लुक जो है वो बताऊंगा। तो अगर खाते का आ रहे हैं तो चाय भी बिना मत जाना, मेरी गारंटी है चाय ज्यादा अच्छी लगेगी। चले राहुल भाई आराम से पहुंचो, फोन लगाना। बहुत प्यार मिला है आपसे। बहुत बहुत ज्यादा आप इंतजार रहेगा है ना। प्यार तो आपने दिया जो रुक के। बस यार चलो ठीक टीटू भाई राहुल भाई चले। तो यार टीटू भाई और राहुल भाई ने बिल्कुल आज ऐसा कद कद कर दिया है, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया है, बता नहीं सकता आप लोगों को मैं। चलिए अब यहाँ से जाने वाले इंदौर और इंदौर से घर 5 से 6 घंटे लगेंगे, 260 किलोमीटर की राइड है। क्या शानदार नज़ारा हो रहा है देख लो आप सड़क का और ट्रैफिक का भी। अभी कल लंबा था, मैंने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा इसलिए बाकी सब भाई निकल गए और मैंने बाइक दबा ली, क्योंकि जान है तो जहान है, अपना तो एक ही नारा है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर चीज़ ज़िंदगी से ऊपर हो गई, परिवार, सपने, जिम्मेदारियाँ और ऐसी कई चीज़ें जिनके लिए इंसान अपनी ज़िंदगी को हर रोज़ खतरे में डालता है। रोड बहुत शानदार है, अपन ये थोड़ी रोड ठीक होती है फिर बात करते हैं ठीक है। अंदाज़ा लगा लो कि अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता तो कितने किलो धूल खा गया होता मैं अभी तक। तो हेलमेट सिर्फ दुर्घटना में ही काम नहीं आता मेरे भाई, आँखों को भी बचाता है, हेलमेट पहना करो। तो आ गए हम लोग इंदौर रिंग रोड पर, ये रहे सब भाई लोग। यहाँ से हम लोग सीधे एक लेफ्ट लेके बॉम्बे रोड पकड़ लेंगे। अरे ग्लव्स गिर गया था मेरा, वहाँ मेरे को लगा ही ना ग्लव्स उतारा वहीं रह गया। अपन चले 200 मीटर आए ठंड लगी मैंने और मेरा ग्लव्स गया, फिर वापस गया मैं तो वो वहाँ हाँ वापस ग्लव्स लेने गया था, मिल गया ना तो पहना हुआ ना, कैसे बात कर रहे। चलो निकलते हैं 11 बजे तक पहुँच जाएंगे घर, 11:30 तक भले आराम से चलना है। तो दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आयो रे। और अब जो रोड आने वाला है वो बहुत प्यारा और अच्छे बच्चों वाला रोड रहेगा। तो अभी हम हैं रिंग रोड पर, यहाँ से हम लोग जाएंगे राव सर्कल, राव सर्कल से हम लोग सीधे पकड़ेंगे अपना 3 नंबर नेशनल हाईवे बॉम्बे आगरा रोड। चाय पीने के लिए रुके हैं वैष्णो देवी रेस्टोरेंट में, भाई जान आड़े आड़े हो रहे हैं मतलब सो रहे हैं। तो अभी हो गया है चाय नाश्ता कंप्लीट और अब निकल रहे हैं। तो अब मैं भी पॉसिबल कि नॉन स्टॉप जाएगी ये गाड़ी घर, मतलब ये गाड़ियां घर। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कसरावत फाटे पर, यहाँ से अमित जो है वो चले जाएगा खरगोन। तो हियर इज कसरावत फाटा, इस फाटे से आगे जाकर एक शहर आता है कसरावत, इसलिए नाम इसका है कसरावत फाटा। चलो फिर
आ जाया कर सले हर बार से राइट पे, मिलता जुलता रहेगा तो जुड़ा रहेगा, नहीं तो सिर्फ फोटो आएंगे ग्रुप में। चलो फिर अगले राइड प्लान करके फोन लगाता हूँ, पैसा इकट्ठा करके रख, जो भी पहले पहुंच जाए अगले को, तू सिर्फ मेरे को रिंग करना, तू सिर्फ मेरे को रिंग करना, मैं तेरे को कर दूंगा। हाँ ग्रुप में डाल देना अपने बचपनी वाले में कि भैया पहुंच गया घर व्यवस्थित, हम लोग भी डाल देंगे। चल ध्यान से जाना, खराब रास्ता आराम से जाना, सेफ राइड। चल तो फाइनली 12:44 पर, रात की 12:44 पर हम लोग बड़वानी में इंटर हो चुके हैं और अब देखते हैं किसी एक जगह खड़े होकर इस वीडियो को एंड करेंगे और फिर अपने अपने घरों की तरफ निकलेंगे। इस राइड के बारे में एक बात बोलूँ यार, मैं अल्टीमेट राइड रही यार हमारी, सोचा नहीं था पचमढ़ी राइड इतनी सक्सेस जाएगी, इतनी अच्छी जाएगी। बढ़िया रूम मिला, बढ़िया गाड़ी करी, बढ़िया घूम लिए, खर्चा वर्चा भी बहुत कम लगा है। खर्चे के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा डिटेल में आप लोगों को उसकी जानकारी दूंगा, आपको यकीन नहीं होगा उतने कम खर्चे में हम लोग घूम के आए हैं। हाँ ये है कि उसके पहले जो कुछ खर्चे हो जाते हैं वो चीज़ें अपनी जगह हैं, तो वो डिटेलिंग भी दूंगा मैं उस वीडियो में। तो कारंजा आ गया, यहाँ रुकते हैं, उस वीडियो को एंड करते हैं। ओके गाइस, तो 12:45 पर लगभग हम लोग 12:45 घर बड़वानी पहुँचे हैं, घर तो अब जाएंगे। तो मैंने सोचा सब भाइयों के साथ में इस वीडियो को एंड करूँ। एक भाई तो हमारा अब निकल गया वहाँ से, चला गया खरगोन उसके घर। तो कुल मिलाकर पचमढ़ी राइड हमारी बहुत अच्छी रही है, उम्मीद से ज़्यादा सफल हुई है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छी रही है। और बहुत सारी डिटेल है इसके बारे में जो मैं आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को दूंगा, एक्सपेंसेस खर्चे से रिलेटेड या तैयारी से रिलेटेड, तो वीडियो आप देख चुके हैं। कुल मिला के आज का वीडियो भी बहुत ऑसम रहा है, वीडियो बीच में शायद लंबे हो गए होंगे उसके लिए आई एम सॉरी, बट वीडियो अच्छे बने होंगे ऐसी उम्मीद जरूर है मुझे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और नए मेरे भाई जो आए हैं हमेशा वाली मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब करके ही जाना मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी आगे अच्छी राइड्स प्लान कर सकूँ और अच्छे वीडियोज़ बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों, गुड नाइट, गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, रब राखा, बाय बाय, बाय बाय।